हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गैस, हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टिक को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और हम आ गए हैं आज वाली चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने इससे पहले के जितने चैप्टर को खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोगों को नीचे लिंक मिल रही है प्लेलिस्ट की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021-22 वाले हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि ब्लूप्रिंट में इसका क्या वेटेज है। तो ब्लूप्रिंट में यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है गैस, वो है ये, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आप लोगों को बताना है। 2 नंबर के लिए आ सकता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर से छोटा सा चैप्टर है गैस, एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो उतना लंबा हम ये वीडियो को नहीं करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, आप लोगों को लिख करके आना है, 2 एप्लीकेशन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है थर्मोनिक एमिशन, आई होप आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, याद करने लायक कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको समझ गए एक बार, नॉर्मली समझ लेना, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा तो आप घर पे क्या करोगे। तो आप लोगों का होमवर्क है कि थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि बाकी बच्चों के भी वहीं के वहीं पे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम लोग आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए अमेजिंग सी अर्निंग ऐप लेकर के आया हूँ, जहाँ पे कि आप घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 1-2 टाइम्स रिटर्न नहीं, सीधा 9 टाइम्स रिटर्न मिलता है। जैसे आपने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए, यहाँ पे आपको 9 टाइम्स यानी 90 रुपये आपको कमाने का मौका मिलता है। और अगर आपने 200 यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे आपको 1800 रुपये तक जीतने का मौका मिलता है। तो इस ऐप की ये खास बात थी। और यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपको लिंक मिल रही है डिस्क्रिप्शन में, इसको जाकर के डाउनलोड कीजिए, नॉर्मल से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करके आप अपना जो प्रिडिक्शन है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना अच्छा लगता है और आपका प्रिडिक्शन करेक्ट बैठता है, तो इसमें आप प्रिडिक्ट करके अर्न कर सकते हैं। और एक और चीज़ का यहाँ पे अगर आपको देखना है कि ऑलरेडी कितने लोग यहाँ पे गेम खेल के जीत चुके हैं, तो यहाँ पे आपको विनिंग लिस्ट भी दी जाती है, जिसको कि आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी इसको डाउनलोड कीजिए और घर बैठे ही अच्छा खासा अमाउंट कमाइए। सो अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर राइट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होते हैं लॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, 4 से 5 है, बहुत इजीली याद हो जाते हैं, बहुत इजी से लॉस भी है। लाइट गिरती है तो ये होता है वो होता है। देखो मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं कर सकता, एंड ये जो क्वेश्चन है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो आई होप अगर जिसने परचेज की हो तो देख सकता है वो पीडीएफ में कितनी क्लैरिटी से सब कुछ लिखा गया है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने नहीं लिए तो उस पीडीएफ को ले लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ, उसके क्वेश्चन को जरूर से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन आता है, What are the डी ब्रोगली वेव्स। क्या होता है डी ब्रोगली, कोई कई लोग इसको डी ब्रोवे बोलते हैं, तो डी ब्रोगली मैं बोलता हूँ। डी ब्रोगली वेव्स, इस्टेब्लिश द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो आप लोगों को 5वां क्वेश्चन ये आता है। 6वां क्वेश्चन आता है, इस्टेब्लिश आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन, भैया देखो आइंस्टाइन ने हर जगह अपना हाथ मारा है, तो यहाँ पे भी मार के चले गए, और उसी के कारण हमको ये जो इक्वेशन है वो डिराइव करना पड़ रहा है। तो आइंस्टाइन की जय हो, तो आप लोगों को उसी का नाम लेते हुए इसको डिराइव करके आना है। नहीं जम रहा है तो रट लो, इक्वेशन नहीं आ रहा है डिराइव करना तो रट लो, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 हमारे चैप्टर सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियर तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 14 पे जाएंगे अगले वाली वीडियो में। अगर पीडीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर परचेज करना चाहते हो तो मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।